हेलो भाई कैसे हो आप सभी होपफुली बहुत बढ़िया हो गए और स्वागत आप सबका एक नई वीडियो में जिसमें हमारे साथ है तनिषा जिनका अभी अभी केवीएस में सिलेक्शन हुआ है रैंक इनकी 61 है स्कोर इनका 86 सिक्स आउट ऑफ हंड्रेड इंटरव्यू प्लस आपका जो रिटर्न पार्ट होता है उसको किधरा सेवन एटी एवन बता रहा है 86 बोल दिया अच्छा चलो एटी तो बाकी ठीक है अब इनके बारे में क्या इनकी रैंक थी क्या सब कुछ था थोड़ा सा एक बार अपने बारे में खुद ही बताएंगे तो मैम प्लीज़ मेरा के का एग्जाम 22 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था और मेरा रिटर्न का स्कोर था 151 फिफ्टी वन दैन फिर मेरा जो इंटरव्यू हुआ और जो फाइनल लिस्ट आई उसमें मेरा स्कोर था एट्टी तो इंटरव्यू का लगा लीजिए फिफ्टी सिक्स होंगे कैलकुलेट करके तो आपने स्कोर बताया आपका रिटर्न का वन फिफ्टी वन जी मैंने सुना इतने मार्क्स से कल पैसे वैसे वाले वाला हैं ऐसा तो नहीं था ना ये क्वेश्चन कल ही एक मैम ने पूछा था मेरे से आते में कि सच बता पैसे वैसे देके लगी है मैं ना मैम आप कुछ भी पूछ लो केवी एस का डी एस एस बी का अगर मेरे को नहीं आया तो पैसे दिए अगर मैंने बता दिए आंसर तो नहीं वैसे अपनी मेहनत से लगी हूँ तो आप जैसे कुछ भी पूछ सकते हो सेम आपके लिए है फिर आप खुद डिसाइड कर लेना पैसे दे के लगी हूँ या अपनी मेहनत से नहीं भी देखो बहुत बढ़िया है एक तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज के टाइम पे जॉब मिल जाए पहला क्वेश्चन तो ये है कि मिल गई तो बहुत बढ़िया है बाकी क्वेश्चन आप साइड में रह गए ठीक है जी, जी, आप उस प्रोसेस को क्योंकि रिटर्न में पैसे दे सकते हैं इंटरव्यू में तो वन टू वन कम्युनिकेशन आपका होपफुली बहुत बढ़िया आपने तैयारी की होगी और अब आपको चीज़ें वर्थ इट तो भी फील हो रही होंगी कि जिस चीज़ के लिए मेहनत की थी वो फाइनली मिल गई अभी तो सैलरी आएगी तो फीलिंग आएगी अभी तो

तो वो सारी चीजें तो एक बार स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि ट्वेल्थ जेबीटी से स्टार्ट कर ठीक है तो मेरी 2018 में मेरी ट्वेल्थ हो गई थी फिर ट्वेल्थ के बाद ही मैंने अपना जो डाइट केशवपुरम में है एडमिशन ले लिया था लिया नहीं था दिलवाया गया था

तो मेरी फैमिली वालों ने फिर एडमिशन कैंसिल करवाया और डाइट में मेरा फिर एडमिशन हुआ 2020 में मैंने अपनी जो है डाइट कंप्लीट कर ली थी और सी मेरा सेकेंड ईयर में ही हो गया था मतलब करते करते डाइट ही हो गया था सी फिर 2021 में जब डी आया तब मैंने अपनी तैयारी शुरू की, की थी डाइट के बाद से और इग्नू में मैंने फिर अपना जो ग्रेजुएशन का था एडमिशन इग्नू से मैंने ले लिया था ताकि साथ साथ में प्रिपरेशन वाला फेज चलता जी है। जी हाँ तो तैयारी भी साथ साथ होती रहेगी और जो ग्रेजुएशन है वो भी चलती रहेगी तो 2021 में जब डी ट्रिपल एस बी आया था आई थिंक मार्च में निकले थे उनका जो नोटिफिकेशन था तब मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी बिल्कुल स्क्रैच से होता है ना बिल्कुल वहां से शुरू किया था बिकॉज मुझे तो पता भी नहीं था क्या होता है क्या नहीं फैमिली वालों ने बोला कि एडमिशन ले ले तो एडमिशन ले लिया ना ये पता था क्या सिलेबस है आ, कितने मार्क्स का होता है तो जब नोटिफिकेशन आया तभी कि भी इतने मार्क्स का होगा ये दो पार्ट्स में होगा मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी तो एक तो बार पहले वो बता दीजिए कि आपने डी एस एस एग्जाम दिया और उनके बाद इनका स्कोर भी काफी बढ़िया रहा था फर्स्ट चांस में ही कितना स्कोर था पहले आ, स्कोर बता दीजिए मेरा जो डी ट्रिपल एल एस का जो एनडीएमसी का स्कोर था वो था 157 और जो DOI का था वो 144. समथिंग था अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है तो ये था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ये मेरा स्कोर आ गया था फिर उसके बाद नहीं हो पाया था मेरा बिकॉज़ आई थिंक 161 पर फाइनलिस्ट लगी थी 161 uh, की हाँ कुछ 161 61 ही हमारे था हमारे पास हिमांशु सर ऋषि के ध्रुवंदर बैठे हिमांशु हाँ। <laughs> <laughs> तो, के नहीं हो पाया था थोड़ा सा हुआ और बहुत बुरा फील हुआ था बिकॉज मैंने दो साल अपने कंप्लीट दिए थे क्योंकि एग्जाम 21 में नोटिफिकेशन आया था लेकिन 2022 में एग्ज़ाम हुआ था तो लगा लीजिए साल तो मैंने अपना दे दिया ही था और नहीं हो पाया बट फिर वही यही था कि कोई नहीं नेक्स्ट टाइम जब होगा और अच्छे से मेहनत होगी हो फिर मैंने अपना जो के का आया नोटिफिकेशन दिसंबर में फिर मैंने अपना के पर सारा फोकस लगा दिया था ठीक है तो अब क्योंकि मैम आपके देखो डीएसएस बच्चों के लिए यही एक क्यूरियोसिटी का वो होगा क्वेश्चन कि आपका स्कोर डीएसएस में भी वन फिफ्टी सेवन आना और वो भी फर्स्ट चांस में तो ये एक काइंड kind ऑफ of उनके लिए तो क्यूरियोसिटी का वो हो गया ना कि बताओ मैम हम, हम भी कैसे तैयारी कर सकते हैं उस उसमें है ना तो एक बार वहां से शुरू करते हैं स्टार्टिंग से कि डीएसएसबी की प्रिपरेशन आपने कैसे की वो जितना स्कोर आया वो कैसे आया फिर उसके बाद आपने एकदम शिफ्ट किया के के ऊपर और साथ में आप बच्चे तैयारी कर रहे थे कि एक सिलेबस जो हमारे टाइम पे था दो हजार में पर अभी के टाइम में उस सिलेबस भी चेंज हुआ तो लकी की क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा इजी आ गया जी जी। तो बट एक वो तो था ही ना कि तैयारी तो हमने सिलेबस चेंज होने के नाम पे ही करनी थी तो एक बार स्टार्टिंग से शुरू करते हैं फिर तो डी एस एस बी से और डीएसएसपी का शुरू किया मैंने अपनी डाइट की बुक से तो मैंने डाइट की बुक से एक दो कर ली तो ऐसे हम फ्रेंड्स डिस्कस करते थे कि तेरा कितना हो गया तूने तो कितना कर लिया कहाँ से तो मेरी एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि तू एन से कर बिकॉज uh, जो एन आई ओज है वो एक गवर्नमेंट ऑथराइज इंस्टीट्यूशन है तो उसकी बुक्स भी वो ऑथोराइज ही होंगे तो वहाँ से क्वेश्चन पेपर बनने के ज़्यादा चांसेज और पिछली बार का आया भी वहाँ से तो वहाँ से मेरे को एन आई ओज़ का पता लगा फिर मैंने अपनी एन आई ओज़ की तैयारी शुरू करी और मैंने जो साइकोलॉजी की दो बुक्स होती हैं ना वो मैंने अच्छे से पढ़ ली उसको फिर री रिवाइज करती गई करती गई और फिर प्रीवियस लगाए फिर जो जो चीजें नहीं आती गई यूट्यूब से कुछ वीडियोस मिल गई या कहीं ने किसी ने कोई सजेशन दे दिया आपका नहीं कोई पैसे नहीं है अगर <laughs> किसी ने को पता हो तो जानता भी होगा कोई डीएसएसबी के टाइम पर बिकॉज मैं भैया के उस पोस्ट पर काफी कमेंट्स करती थी जब भैया रिवाइज करवाते थे अभी जैसे क्या के उप, NIUS, JBT, JBT कह रहा है, है। वो बार न, अलग अलग बुक्स में बी एड वाली बुक्स में बहुत बढ़िया तरीके से दिया होता है ना तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स को और ये सारी चीजें छाट सांट के कवर करवाना ये हिमांशु सर करवा भी हैं है ठीक है तो, तो प्रसार प्रचार प्रसार हो गया साथ में तो मैंने तो तो मैं साथ साथ प्रतीक शिवालिकोजी सीरीज चलाई थी सर ने हाँ हाँ बुक, हाँ हाँ तो बुक उस बुक ने भी काफी हेल्प करी हाँ थी सर जब यूट्यूब पर करवाते थे, थे तो वहाँ से और रिविजन हो गई और नए कॉन्सेप्ट आए उनको गूगल से कर लिया या इधर उधर से कहीं से भी मिल गए कर लिया फिर जैसे मान लो मेरे नोट्स मैंने बनाए हुए हैं अगर मान लो दो पेज का एक टॉपिक है फॉर एग्जांपल और उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं से भी मिल गई तो मैं उसको फिर एड ऑन कर लेती थी उसी टॉपिक में कि भाई ये इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है या ये इस बुक से पूछा गया है तो मैं उसको ऐसे ऐड ऑन करती रहती थी करती रहती थी तो ये हो गया एन बिल्कुल मेन जो था बोलते हैं ना अमृत वो एक अमृत था देजस्वी की तैयारी में ये पार्ट बी का था ऐसे फिर पार्ट ए में जैसे आप फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस एक तो आपकी होगी प्रतीक्षा की, हो आ, की जी। वो यूनिवर्सल सीरीज़ थी प्लस अगर आप चाहो दोस्तों आप पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो भाई उसकी दोनों बुक है ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी तो आप चाहो तो वो गूगल वगैरह से फ्लिपकार्ट वगैरह से देख सकते मेरे हो? पास टेक्स बुक हो गया प्रतीक्षा सर की पैडाग्रोजी सीरीज हो गई भैया जब करवाते थे तब यूट्यूब पर क्वेश्चन आंसर हो गए या कोई भी चैनल जैसे आते रहते से तो मैंने कभी बुक से पढ़ाई नहीं की सारा मैंने एनआईओ का भी लैपटॉप पर जैसे बुक का नाम लिख दिया कि एनआईओ फिर सारा कंटेंट आ गया अपने नोट्स बना लिए कोई ऐसा वो नहीं था की मैं बुक्स का दो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और वही मांगना इनसे ठीक है

तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी मैथ्स से क्योंकि बच्चों का होता है कि भाई मैथ्स अरे बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है मैथ्स तो करना मतलब एक डर है बच्चों में कि भाई मैथ्स है तो ऐसा कुछ नहीं है आप सिलेक्टेड टॉपिक्स रखो अपने फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है टाइम वर्क है मैंजोरेशन है कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है भाई टाइम वर्क हो गया आप उनको अच्छे से करो एटलीस्ट आपके दस से बारह मार्क्स तो आ ही जाने चाहिए अगर मेरे से फॉर एग्जाम्पल मैं खुद जब टेक्स्ट बुक पर टेस्ट देती थी तो मेरे दस या बारह मार्क्स रहते थे तो मेरे को ये था एटलीस्ट कुछ तो आ रहा है कुछ ना से तो कुछ बेटर है तो मैथ्स में मैंने यही मेजर टॉपिक्स अपने रखे यूट्यूब से कहीं से कर लिए जैसे राकेश यादव सर है गगन प्रताप सर है और एक दो टीचर्स हैं आप टॉपिक का नाम डालोगे एग्जैक्टली exactly. और यही तरीका ठीक है जी आप पूरी बुक उठा के करने बैठ जाओगे ना तो वो बीस नंबर के लिए बुक बहुत उतनी मैं नहीं होगी क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड होती है ना वो बुक वो इतनी मोटी होती है वो मैंने खरीद के रख ली और आ तीन साल हो गए वो यू की अलमारी में रखी हुई है मैंने कभी उससे

तो मैथ हुआ या जिस भी तरह से फिर मैथ का आगे कैसे फिर मैथ्स का मैंने कब हमेशा डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर लगाए हैं मैंने ना कोई बुक इसके अलावा रखी ना कोई एसएससी एस सी कोई भी पेपर नहीं दिया सिर्फ डी ट्रिपल एस बी के चाहे वो किसी भी पोस्ट का है फॉर uh, एग्जांपल फरवरी में पोस्ट हमारा मार्च में एग्जाम था डीएसएसबी का तो फरवरी में बहुत सारी पोस्ट के एग्जाम हुए थे तो उस टाइम पर भी मैंने सिर्फ उनग्जाम्स को फोकस किया था शायद हेड कलर्क का हुआ था फरवरी में एक हेड क्लर्क का याद है मेरे को फरवरी में हुआ था तो मैंने वो पेपर लगाया था टीजीटी पीजीटी के हो गए भाई हमारे पी आर टी के तो ऑब्वियसली हमें करने ही करने है बट उसके अलावा भी आप डी ट्रिपल एस भी कि आपको कोई भी पोस्ट मिल जाए अब वहां से अपनी प्रैक्टिस करना पहले अपना कंटेंट जो अपना बेस है उसको क्लियर करो यूट्यूब से जहाँ भी आपको जैसे भी किसी भी टीचर का समझ आ रहा है फॉर एग्जाम्पल मैंने तो सारे ऑनलाइन किया था अगर आप ऑफलाइन भी लेना चाह रहे हो देन इट्स अप टू यू

तो और जैसे मैंने वो कैबरी कभी नहीं की एंटोनियम सिनोनियम कभी भी नहीं बस मैंने वन वर्ड सब्सिट्यूशन ई फ्रेजेस ब्लैक बुक की एक पीडीएफ डी आई थी मेरे पास मेरी फ्रेंड ने ही मेरे को शेयर करी थी तो ब्लैक बुक मैंने कर ली थी उसमें जितने भी वन वर्ड सब्सट्यूशन ई फ्रेजेस वो सारे याद किए थे इतना किया था वो कैबरी में उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एरर फाइंडिंग्स आती हैं जम्बल वर्ड्स आते हैं या वो होता है न कि भाई इसमें क्या कुछ एक दो क्वेश्चंस होते हैं सी एरर फाइंडिंग टाइप्स के होते हैं hmm. तो वो उनकी प्रैक्टिस मैंने की थी और त, जैसे शु, शुरू में उसको सेंटेंस को सेंटेंस इंप्रूवमेंट सेंटेंस इंप्रूवमेंट और इसकी तैयारी मैंने की थी <coughs> नीतू सिंह मैम से जो यूट्यूब hmm. पर मैम क्लास लेती थी पहले SSC CGL का जैसे डेली लाइव आकर मैम प्रैक्टिस करवाती थी तो मैं वहाँ डेली मैम के चैनल पर जाकर प्रैक्टिस करती थी और कोई कंटेंट नहीं आया समझ में जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक काफ़ी मेजर टॉपिक है हमारे तैयारी में तो वो भी मैंने नीतू सिंह मैम से ही किया था तो इंग्लिश मेरी नीतू सिंह मैम से हुई थी और प्लस आपके जो डी एस एस ना वो भी आपके नीतू सिंह मैम के पे मिल करवाते हैं मोस्टली इजी ही है तो ये जब हम कहते ना कि मेरी इंग्लिश बेटर है मुझे हिंदी में दिक्कत आती है वो तब तक आती है भाई जब तक हम ये चीज अपने दिमाग में बैठाए बैठाए लेते हैं एक बार आपने हाथ मारा तो सब साफ है वहां से वो आपके अपना मेंटल स्टेट होता है कि आप किसी चीज को कैसे ले रहे हो तो हिंदी इजी थी काफी प्रीवियस ईयर से ही टॉपिक संज्ञास शब्द हो गए बट अभी मैंने जैसे प्रीवियस ईयर जो अभी साल हुए हैं करंट के तो उनमें अलंकार छंद कुछ टॉपिक्स एड ऑन हुए हैं हिंदी में तो वो आपको करने पड़ेंगे नहीं तो वो नहीं है कि आप दो हजार में जो हो रहा है आप उसी को दोहरा रहे हो आप देखना कि अभी करंट में क्या चल रहा है क्या डिट्री प्लस भी पूछ रहा है क्या उसका फॉर्मेट है

कभी जब मैंने अपनी स्टार्ट न, स्टार्टिंग करी थी या तैयारी शुरू की थी मैं बिल्कुल ब्लैंक थी मेरे को यही नहीं पता था कि डिजिटल प्रेस का फॉर्मेट क्या है कितने मार्क्स का पेपर है और आज भाई मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो वो प्रोसेस है एक वो ग्रेजुअली आप सीख जाओगे जब आप तैयारी करोगे अपने आप को एनालाइज करोगे प्रैक्टिस लगाओगे प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो वो सीख जाओगे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बस आपको शुरू करना है क्योंकि जब आपने शुरुआत कर दी ना फिर अपने आप रास्ते बनते जाएंगे आपकी जो भी आपकी मंजिल है वो आपको मिल जाएगी जैसे जीके हमारा रह गया पार्टी में तो जीके का एक है ल्यूसेंट बहुत मेजर रहेगा आपके लिए और दूसरा आपका करंट अफेयर तो मैं क्या करती थी तो ल्यूसेंट से मैंने बहुत सेलेक्टेड टॉपिक्स किए थे जैसे स्पोर्ट्स है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया जैसे आर्टिकल्स वगैरह अमेंडमेंट्स वगैरह इकोनॉमिक्स uh, में फाइव गए फाइव ईयर प्लानिंग होती है हो जो जो मेजर टॉपिक्स है जो दो तक हिस्ट्री में जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है जैसे का रिवोल्ट हो गया या उसके बाद जो मुगल एम्पायर जो मेजर टॉपिक्स है जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे आपको लग जाएगा सिर्फ सिलेक्टेड किया था मैंने मैं जीके के पीछे ज्यादा नहीं भागी करंट अफेयर्स मैंने कृति मैम का एक मतलब वाई फाइ स्टडी स्टूडियोज पर कृति मैम पढ़ाती है करंट अफेयर्स तो मैं उनकी वीडियो देखती थी बिकॉज मैम कोई भी स्टेट है कोई भी सिटी है उसकी न्यूज के साथ उनका उसका स्टैटिस्टिक्स करवा देती थी तो मेरे को दोनों तरीके से हेल्प करता था करंट अफेयर भी मुझे आ, मतलब उसी प्लेटफॉर्म पर मिल रही है और उसके अलावा जो स्टैट पार्ट होता है वो भी मेरे को उसी जगह मिल रही तो मेरे को इधर-उधर कहीं भागना नहीं पड़ा और साथ में इसके ऐसा ना कि देखो जब हम डीएचएसबी जीएस पार्ट की बात करते ना तो हमने मतलब जनरल पैटर्न देखोगे हुए, गेम्स के बारे में के हुए, एक पूछेंगे, आपके गेम्स हुए, किसी को, उस टाइम किसी खिलाड़ी कोई अवार्ड मिला हो वो जरूर पूछ लेंगे वो अवार्ड्स की अपॉइंटमेंट्स होगी वो जरूर पूछ लेंगे उसके अलावा नोबेल प्राइज और ये सब चीजें जरूर पूछ लेंगे और ये मतलब ये ऐसी चीज है जो हर साल साल बदलती जाएंगे हाँ। ठीक है कुछ एक टाइम पीरियड के बाद बदलते जाएंगे वो और ये याद करने थोड़े से मुश्किल होते हैं और इनको याद करने का ना एक चैनल है वो वो कौन सा था क्रेजी गे 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 ट्रिक्स गे, हाँ। वो बहुत बढ़िया करवाते हाँ। हाँ। हैं भाई तो आप मतलब मजा आ जाएगा आपको वहां से करने में मतलब झील और ये सब चीज चीजें ना सबसे ऊंची झील कौन सी है टी टीका झील करके उसने बता था कि टी करके देखो टी का डंडा तो इतना ऊंचा होता है इतनी ऊपर से तो इतनी ऊपर झील है तो, मैंने एक अलग से अपनी डायरी बनाई हुई है स्टैटिस्टिक्स पार्ट की उसमें मतलब जो भी मेजर टॉपिक्स है उस, सारी उस डायरी में है तो कभी भी मैं भूल जाती हूँ तो अच्छा इस पेज पर ये चीज थी तो थोड़ा सा आप अपना अपने तरीके से चीजों को एडजस्ट कर सकते हो और कर सकते एक साइकिल आपको दोहराने की शुरू में आप अपना तैयारी करो रिवाइज करो री रिवाइज करो प्रैक्टिस करो ये साइकिल आपकी तब तक चलती रहेगी जब तक आपका जो गोल है जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल ना हो जाए तो आप ये साइकिल अपने तरीके से बनाओ अपने खुद को देखो कि भाई आपके लिए बेस्ट क्या है इस तरीके से आप अपना बेस्ट आउटपुट दे सकते हो और सबकी वो याद करने की चीजें सीखने के ना पैटर्न भी अलग-अलग होते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस चलिए ठीक है हम फ्रीड डीएसएस पर वाला सीन हो गया आपका मतलब ठीक-ठाक से तैयारी आ गई थी फिर अब ये बताओ आपने मॉक टेस्ट दिए थे पेपर से पहले हां मैंने टेस्ट बुक से दिए थे और प्रीवियस ईयर लगाए थे बस टेस्ट बुक कोडीट्री प्लस बी की प्रीवियस ईयर अभी जैसे मैंने बताया जिस पोस्ट के भी मेरे को मिल गए वो आप टेलीग्राम चैनल पर दुनिया भर के आपको मिल जाएंगे जब आप hmm. ग्रुप्स ज्वाइन करोगे अलग अलग आपको आइडिया खुद लगता रहेगा आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो <coughs> पता लग जाएगा तो <coughs> टेक्स्ट बुक और प्लस भी प्रीवियस ईयर यूट्यूब इतना नहीं था बट हाँ कही कहीं ना कहीं हेल्पफुल था कि किसी की वीडियो गई चलो भी hmm. इसको भी कर लेते अच्छा ये गई तो अगर हेल्प हो रही है भी कहीं से भी कुछ भी अगर आ रहा है और वो मेरे फायदे का है तो मैं कर लेती थी चाहे वो यूट्यूब कहीं से भी है कुछ भी है ठीक है तो और होना भी ऐसा चाहिए आप बच्चे एक रैट रेस में भाग रहे हो वो आप ब्लाइंड फॉलोइंग में रह जाओगे आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको फिर एक वैरायटी आपके पास होनी चाहिए नो तो थर्नने वाली ना एक हाँ, पेंडेंसी होनी, ही, होनी चाहिए ही चाहिए आप क्योंकि जब आपको अलग-अलग एक्सपीरियंस मिलेंगे फिर आप अपने आप ही फिल्टर आउट कर लोगे कि मेरे लिए बेस्ट क्या है तो एक्सपीरियंसेस लेने बहुत जरूरी है चाहे आपको फिर कहीं से मिले चलो ठीक है मैम फिर अब DSSSB वाला आपका पेपर हुआ जी मेरा हुआ था 26 27 मार्च को भी लगातार थे तो 26 को था एक और फिर नेक्स्ट 27 को थे सेम ही सेंटर पर ठीक है तो मेरा एक तो था लास्ट शिफ्ट में था मेरे को याद है एनडीएमसी का और वो मेरा काफी अच्छा पेपर गया था मेरे को उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा एनडीएमसी में तो एटलीस्ट हो ही जाएगा और बट नहीं एनडीएमसी में जनरल की तो भी दो कितनी दो 45 45 थी जनरल की वैकेंसी हाँ, भी तो बहुत कम थी ना उसमें कितना स्कोर था था <laughs> मेरा 157, 157 था और मेरे को में क्योंकि अच्छा। तो 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 उम्मीद तो थी कि हो जाएगा एटलीस्ट फिर नहीं हुआ बुरा लगा एक दो दिन करके रो के दोबारा से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी कि अब रिजल्ट आ गया है अब फिर से लगना है अब नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा के में हो जाएगा फिर शायद मेरे अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट आ चुका था दोनों पोस्ट का तो फिर मैंने अपनी डी की दोबारा से तैयारी शुरू कर दी बिल्कुल शुरू से कि भाई मैंने ये सोचा कि भाई मैं अभी जीरो पर ही हूँ मेरे को कुछ नहीं आता तो मैंने शुरू से ही कर दिया सब कुछ फिर दिसंबर में आ, दिसंबर में नहीं शायद नवंबर के लास्ट वीक में आ गया था एक एडवर्टीजमेंट आई थी न्यूज़पेपर में कि के वी एस की वैकेंसी आने वाली है और तीस तीन दिसंबर को आ गया था नोटिफिकेशन तो फिर मैंने वहाँ से अपनी फिर के वी पर ही कंप्लीट फोकस कर दिया कि अभी डी में नहीं हुआ तो एटलीस्ट मेरे पास चांस है एक एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है तो के में तो मेरे को अब करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए और के वी का एकदम हुआ भी इतना बड़ा मत कि भाई के वी में पता नहीं क्या हो गया और नहीं नहीं जैसे सिलेबस मैंने देखा तो उसमें था कि फर्स्ट टू फिफ्थ मतलब नोटिफिकेशन में आ गया था कि प्राइवरी के लिए फर्स्ट टू फिफ्थ तो मैं मतलब घर में कूदने लगी मैं है, इतना ईजी सिलेबस फर्स्ट टू तो फिफ्थ का ही करना <laughs> फिर जब करने लगी थोड़ा सा मुश्किल लगा मतलब लग, मुश्किल नहीं था इन द सेंस कि कुछ चीज़ें नहीं कुछ चीजें नहीं थी हाँ और वो टाइम कम था बट फिर यही था मेरी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव ही रही है कि नहीं करना आपकी बार तो कोई नहीं डीएसएस बी का भी काफी काम आया मेरा जो शायद के वीस में जितना सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट जो मेरी सक्सेस का है वो डी एस एस बी की तैयारी ही काम आई है जो बाकी थर्टी फोर्टी था वो इधर उधर से फिर मैं कर लेती थी ठीक है हम एक बार इसके बारे में बात करेंगे तो पहले एक बार ये बताइए जैसे बच्चे अभी एक मतलब वह से उस स्टेज में खड़े हैं जहाँ पर आप पहले एक साल डेढ़ साल पहले खड़े थे कि डी एस एस बी की भी कोई वैकेंसी नहीं आई है के वी अभी खत्म हुआ था के वी का भी अभी आस पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हमें तो अभी जो बच्चे जस्ट जे बी टी करके आए हैं या फिर वो बच्चे जो किसी भी कारणवश अभी वो जगह नहीं ले पाए जहाँ पर हम आप लोग खड़े हैं तो उन वो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोबारा okay. से तो आपने वो उस मेंटल प्रेशर को कैसे झेले जो आपने कभी जब डी में नहीं हुआ था तो तब आपने कैसे चीजें थोड़ा सा वो की थी अब नहीं हो पाया तो क्या ही कर सकते रो लिए एक दिन दो दिन रो ली <laughs> अब रोने से भी कुछ फायदा नहीं है बिकॉज एट द एंड आपको मेहनत फिर से दोबारा करनी पड़ेगी बोलते हैं <laughs> ना अगर आप गिरे हो तो उठना भी आपको खुद ही पड़ेगा तो एक दो दिन रोई फिर मैंने अपना तीसरा दिन अपना सारा फोकस किया अब तो पढ़ाई करनी है दोबारा से तैयारी शुरू कर दी वो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा और वो धीरे धीरे आप ये नहीं कि एकदम से हो जाएगा वो आप जैसे सिचुएशन आपके सामने आएगी फेस करोगे आप अपने आप ही होगा कि नहीं अब नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम तो मेरे को करना ही करना अगर उसमें भी नहीं हो पाया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी मेरा ऐसा था कि अगर डी एस में नहीं हुआ दोबारा करो शुरू शुरुआत से देखो क्या गलतियां रही क्यों नहीं हुआ उस चीज को देखो कि क्यों नहीं हुआ जब वो क्यों का रीज़न आपके पास पता लग जाएगा फिर अपने आप आपको अपनी कमियाँ पता लग जाएंगी कि हाँ ये कमी थी और आगे से मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना है Exactly तो अब फिर से ये बात है हम कि बच्चे एक जो बच्चों के अंदर ना एक नैरो माइंडेडनेस बन जाती है ना कि हम अब आगे केवल डी की ही तैयारी करेंगे या केवल केवी की तैयारी करेंगे या फिर जो बच्चे अभी नए नए आए होंगे

बीच में से ग्यारह नंबर आए मेरे पर मैं फिर भी मतलब ठीक है यार मैथ ने थोड़ा सा वो कंपनसेट कर दी चीजें मेरे साथ अपोजिट तो था मेरा था कि साइंस है के में तो हाँ। मेरे को के वी तो मेरा होगा ही नहीं मेरा ये था क्योंकि साइंस मेरी बिल्कुल जीरो से भी अगर कुछ नीचे है तो वो मेरी इतनी साइंस है बट लकीली सिलेबस चेंज हो गया लकीली सच में लकीली हुआ है और साइंस का उतना टॉपिक नहीं आया और वो मेरा फिर के वी में मेरी हेल्प हुई वो होता ना कि जब आप किसी चीज़ को चाहते हो वो ना मिलकर जिस चीज़ को नहीं चाहते वो मिल जाती है तो डी भी चाहती थी वो नहीं हुआ के वी नहीं चाहती थी वो हो गया बट ठीक है अच्छा हुआ जो हुआ अब ये भी हो जाएगा मैम और एक्चुअली पता क्या मेहनत करने के ना हमारी एक टेंडेंसी होती है जी। और अगर साइंस आती भी ना और अगर वो करने की ही वो चीज़ होती पहले कौन सा साइकोलॉजी आती थी आपको नहीं नहीं भी 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 नहीं, बिल्कुल ना लेकिन वो हो गई ना चीजें आप देखो एक नंबर लेके आना जो अगर पहले आज हमारे टाइम पे जब मेरे 2018-19 में 130 नंबर आए थे तो मैं ऐसे एक सर मिले जो बुढ़े खुश भाई साहब एक नंबर नेगेटिव मार्क में एक नंबर अब की बार देखो एक नंबर लेके गए एक नंबर लेके कुछ नहीं हुआ एक सौ सत्तावन नंबर <laughs> लेके कुछ नहीं हुआ तो ये टाइम के साथ चीजें ना हम धीरे-धीरे खुद भी, खुद भी हैं। सीखते जाते हैं तो अब आ जाइए तैयारी आपकी तैयार थी वो वही एज इट इज आपकी पॉजिटिव ट्रांसफर हो गई यहाँ पे फिर उसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो जैसे एफएलएन वगैरह हुए वगैरा हुई एन बीपी हुई ये में आपकी

तो <laughs> आउटसोर्सिंग कर रहे थे आप <laughs> तो ऐसे जुगाड़बाजी करके करा फिर जैसे एक दो टॉपिक मेरा फिर भी रह गया था तो मैंने जन जनवरी में लिया था प्रत्येक शिवालिक सर का जो एक महीने का कोर्स होता है मतलब हजार रुपये वाला वो हजार रुपये में मैंने लिया था

आपका बिल्कुल स्वागत है आप हमारे इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर लीजिए ई कर दीजिए हमें ठीक है एक हेलो का हम ऑटोमेटिकली आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे और फिर आइए मिलते एक बढ़िया डिस्कशन रखेंगे क्योंकि देखो वही चीज़ अल्टीमेटली किसी ने हमारा भला किया था है ना आज हम आपका कर रहे हैं और आप फिर यहाँ आओगे तो आप किसी और का करोगे फिर तो खास ग्रुप डिस्कशन होता रहता था हाँ. कुछ कुछ चीज़ें उन उन्होंने मेरे से पूछ लिया मैंने उनसे पूछ ली तो वो एक डाउट सेशन हमारा चलता रहता था लोगों का तीन चार लोगों का ग्रुप था देन अगेन टेक्स्ट बुक पर फिर मैं प्रैक्टिस करती थी और टेक्स्ट बुक का भी मेरा जो हाईएस्ट स्कोर था फर्स्ट टाइम जो मैंने मतलब जो फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था के का तो उसमें मेरा हाईएस्ट स्कोर था वन सेवन ठीक है फिर मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों है मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में तो स्कोर जाएगा बिल्कुल ऐसे हाईस्ट फिर जितने अटैम्प्ट में देती जाऊँगी स्कोर कम 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 आता जाएगा फिर जब एक्चुअल पेपर होगा तो उस सबसे जो मतलब मेरा जो बेस्ट स्कोर टेक्स्ट बुक पर आया तो उससे भी बेस्ट मेरा एक्चुअल पेपर में रहेगा मेरे को भी नहीं पता ये मैं खुद सोचती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में तो भाई ठीक है 147 सेवन देन मेरा लोवेस्ट वन ट्वेंटी पर आ गया था जितना पेपर पास आया ना उतने ही मेरे मार्क्स वन हो गए थे टेक्स्ट बुक में फिर चलो ठीक है पता नहीं मेरे को भी नहीं पता क्यों है तो ऐसे डिस्कशंस होते रहते थे और ऐसे शेयरिंग होती रहती तो पैडोगोजी मेरी हो गई फिर जैसे इंग्लिश था हिंदी था अगेन डी का सेम सिलेबस था वही संज्ञा सर्वनाम नाउन प्रोनाउन आर्टिकल्स कुछ ऐसा मेजर अलग नहीं था फिर रीजनिंग जैसे पाँच नंबर की थी तो मैंने रीजनिंग नहीं करी कंप्यूटर भी शायद पाँच या दस नंबर का था तो कंप्यूटर को भी मैंने हाथ नहीं लगाया क्योंकि मेरा था कि जो मेज टाइम कम है आप स्मार्ट वर्क करो जो चीज़ें मेन है जो जरूरी है उनको करो बाकी जो पाँच दस नंबर है तो तुक्का लग के भी दो तीन तो ठीक हो ही जाएंगी फिर जैसे करंट अफेयर्स का मैंने तीन महीने की लास्ट की जो तीन महीने की वीडियोस जैसे आपने बताया जीके हाँ, हाँ 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 तो उनसे मैंने अपनी जो पूरी महीने की जो वीडियोस आती है ना लास्ट में की पूरी हाँ, टाइप मैंने वहाँ से किया था तो मेरी जीके कंप्यूटर रीजनिंग यहाँ से होगी इंग्लिश हिंदी अगेन वही सिलेबस ज्यादा कुछ नहीं था तो वो डी का काम आ गया था मेरे को अब बचता है मैथ्स और ईवीएस तो अगर कोई प्रतीक मलिक सर को फॉलो करता है तो सर ने पहले ही बता दिया था कि सी लेवल तक का आपका मैथ्स आएगा तो मैंने सीटेड लेवल तक का ही अपना मैथ्स सर था और जो जैसे अरिहंत की एक बुक आती है सी की मेरे पास रखी थी तो मैं वहीं से प्रैक्टिस करती थी और जो भी कॉन्सेप्ट थे वो वहीं से देख ली तो मैथ्स में भी ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं था देन बची हमारी ई वी एस ई वी एस अगेन फर्स्ट टू फिफ्थ जो सर ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे आपका आ जाएगा सीटेड uh, लेवल तक का ही तो मैंने फिर फर्स्ट टू फिफ्थ के ही अपने नोट्स को री रिवाइज किया उनको पढ़ती गई पढ़ती गई और फिर ईवीएस का भी हो गया था फिर जो मेजर टॉपिक्स थे यही थे और तो क्या था इसमें बस यही हो गया पेडागोजी को मैं पेडागोजी मैंने बता ही दिया कि डिजिटल प्रेस भी का काम आया जो नहीं हुआ वो इधर उधर से भी फ्रेंड्स की हेल्प से गूगल से या कहीं से भी जो मिल गया वो हो गया चलिए ठीक है मैम अब भी आ जाते हैं वो जॉब की ज्वाइनिंग वाला फेज एक एक क्वेश्चन और बताऊंगी मैम मैं, पत... मैं अपना <laughs> हाँ, अलग फैक्टर बता रही हूँ हाँ, जैसे मेरा बाईस तारीख को एग्जाम था तो हाँ, जैसे जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें रिम जिम के क्वेश्चंस आए थे हाँ, तो वैसे सर ने बता दिया था जैसे प्रतीक मलिक प्रतीक शिवालिक सर ने कि आप रिम जिम कर लेना बट मैंने की नहीं थी क्योंकि मेरे को लगा कि अब क्या ही करूँगी इनको <laughs> तो मैंने नहीं करी थी तो 22 को मेरा पेपर था और 21 को फर्स्ट एग्जाम था <laughs> तो वहाँ से पता लग गया था कि रिम जिम से क्वेश्चन आ रहे हैं और आठ से दस क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैंने क्या किया अपनी फ्रेंड के पास कॉल किया मैं कहना तो प्रतीक मलिक सर ने जो एक पी बना रखी थी पूरी समरी थी उसमें रिम जिम की जो मतलब फिफ्थ तक की बुक की पूरी समरी थी हर चैप्टर वाइज तो मैं कहा तू तो है ना पी भेज मेरे पास और मेरा बाइस को पेपर था मैंने रात रात में सारी पी कर दी और नेक्स्ट डे मैंने देखा मेरे आठ क्वेश्चन आए हुए थे रिम जिम से तो मेरे आठ क्वेश्चन तो इक्कीस तारीख को ही बन गए थे <laughs> तो एक मैं मानती हूँ कि भगवान ने <laughs> अब की बार कृपा अपनी दिखाई और आठ नंबर तो मेरे फिर वहीं से हो गए और भाई भगवान की कृपा है लक के लिए हो गया तो फिर मैम ये तो देखो पता क्या है लक और रिस्क इन चीजों को ना हम कंट्रोल नहीं कर सकते अरे मतलब ये तो है पर हाँ काम किन चीजों पे कर सकते हैं कि जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं आपने एटलीस्ट जितने टाइम मिला आपको उसमें आपने उन चीजों पे मेहनत कर ली हाँ ये है कि हम मेहनत करके लक और रिस्क के फैक्टर्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं जितने आप नॉर्मल टाइम में मेहनत कर लोगे तो रिस्क का फैक्टर थोड़ा कम हो जाएगा लक का फैक्टर ऊपर चला जाएगा जी। तो ये थोड़ा सा रहता है तो अभी थोड़े से एक तो ये हो गया मैम अब आ जाओ जॉब वाली फॉर्म में ठीक है तो ऐसे रेट करना आप कि मतलब

उस टाइम पर उन्हें बोल दिया था कि आप मिठाई तैयार रखना और बेस्ट ऑफ लक मतलब उन्होंने मतलब फेस टू फेस बोल दिया था कि आपका मतलब तो मला आप बोल ही देते ना सर लेके आऊंगे अभी नहीं नहीं मतलब <laughs> जैसे ही मैंने मेरा जैसे डेमो हुआ <laughs> स्टार्टिंग में मेरे से डेमो ही करवाया था मैथ्स पढ़वाया था मेरे से तो, जाते ही हाँ तो एक बस एक क्वेश्चन किया था कि सोनीपत दिल्ली का डिस्टेंस कितना है फिर आपने कितना कहा फोर्टी

तो फिर उन्होंने जैसे मेरा चार बैठे थे तो तीसरा जो एक सर थे जो आप सुबह से बोल रहे थे ना कि कोई भी का नहीं आया है ये आपके सामने बैठी है और कॉन्फिडेंस उन्होंने का जबरदस्त लेवल का उन्होंने नहीं बोल दिया तो वही कितना बढ़िया लग गया गई थी हाँ मेरा नहीं नहीं लास्ट में उन्होंने मतलब ना और एक होता ना कि भी मेहनत करी और वो हो गया था कि मतलब आपका तो हो जाएगा आप तो मतलब निश्चिंत रहो नागालैंड में अगर पोस्टिंग होगी तो यहाँ सब आपको मिलेंगे तो सर का चेहरा याद रखना और नाम याद रखना आपको ही वही मिलेंगे कुछ चाहिए हो तो बता देना सर सर सिलेक्शन चाहिए नंबर देना भी अपना <laughs> फिर शायद हाईएस्ट मार्क्स मेरी है मेरे बोर्ड में क्योंकि मेरे कितना स्कोर था आपका मेरी है इंटरव्यू बोर्ड में और मेरे एक नोन थे उनका भी सेम बोर्ड में ही था उनके फोर्टी आए हैं सिलेक्शन हुआ हाँ हो गया छत्तीसगढ़ में उनका है सेवेंटी एट कुछ है वन फिफ्टी फोर रिटर्न में है फोर्टी अच्छा। इंटरव्यू में था छत्तीसगढ़ रायपुर रीजन में किरण दूल जंगा है ठीक है इनके नोन अगर वो वीडियो को देख अच्छा रहे हैं ना हाँ। तो प्लीज <laughs> आना ठीक है ना प्लीज आना हमारे साथ यहाँ बैठ के इंटरव्यू करना <laughs> भी हम आपके धन्यवाद ही होंगे

मैं कहा सर ये आया था कब आया था क्यों आया था मतलब मेजर यही पूछा था मेरे से और फिर ए क्यू आई के बारे में पूछा ये क्या है मतलब इनडायरेक्टली पूछा था कि दिल्ली में जो है पाँच सौ से ज़्यादा क्या बढ़ गया है मैं कहा सर ए क्यू आई फिर अच्छा तो इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसका बताओ ये क्या Air होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है और फिर इसका मतलब मतलब पूरा डेफिनेशन <coughs> टाइप पूछी थी उन्होंने कि क्या होता है फिर जैसे मैंने ना डेमो में मैथ्स का उन्होंने बोला कि आपके पास ट्वेल्थ में मैथ्स है तो आप मैथ्स पढ़ाओ इंग्लिश में बोलना है आपको तो मेरा तो उन्होंने टॉपिक भी नहीं सुना कि मैं टॉपिक पढ़ाने के हवाली हूँ तो मैंने स्टार्टिंग में एक टीम एक्टिविटी रखी थी जिसमें स्मार्ट चार्ट मैंने टॉपिक लिया था चार टीम्स बना दी और हर टीम्स के आगे कुछ बलून्स रखे हैं और जो हर टीम को पाँच मिनट के अंदर अंदर ज़्यादा से ज्यादा बलून्स को फुलाना है तो जो टीम ज्यादा से ज्यादा बलून फुला देगी पाँच मिनट के बाद वो विनर हो जाएगी तो फिर बस मैंने ये लिखा था कि अच्छा टीम वन सिक्स बलून्स मैंने पूरा बता दिया कि भाई ऐसे कॉम्पिटन होगा और फिर बस ये लिखा तो उन्होंने बोल दिया कि बैठ जाओ तो मेरे को लगा कि मैंने कुछ गलती कर दिया अभी तो कुछ लिखा ही नहीं ना मेरे टॉपिक का नाम ही नहीं बताया तो फिर मैं फिर सर इतने में आए उनको हाँ बोले बैठ जाओ मैं कहा सर मैं फिर थोड़ा सा मेरा फेस हो गया डल तो बोले कि आपने अच्छा पढ़ाया आप बैठ जाओ तो फिर सर की एंट्री हुई तो सर बोले कि सुबह से ना आप बोल रहे थे कि कोई ढंका नहीं आया है तो ये आप ढंकी बैठी आप कॉन्फिडेंस और एनर्जी बहुत अच्छा है इनका और काफ़ी अच्छे से पढ़ाए इन्होंने तो मैं वहीं खुश होगी मैं कहा चलो अच्छा गए <laughs> तो, तो सर बोलिए यहाँ पे ना ऐसे एन ई पी लिखा हुआ था जिस क्लास में बैठी थी तो सर बोलिए क्या है मैं कहा सर एन ई पी है अच्छा इसकी फुल फॉर्म क्या है मैं कहा सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोले अच्छा न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है मैं कहा नहीं सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही है बोले अच्छा ठीक है आप बताओ इससे पहले कब कब आई थी मैंने यही क्वेश्चन था मैं पूछूंगा आप <laughs> आपने तो मैंने बताया 1968 और 86 में तो उन्होंने बोला अच्छा एट्टी के बाद क्या आया था मैं सर 1992 में तो मैंने इतना बोल दिया तो वो कुछ शायद पेपर पर लिख रहे थे और मैंने बोल दिया प्रोग्राम ऑफ एक्शन तो वैसे लिखते लिखते बोले अच्छा क्या मैं क्या सर प्रोग्राम ऑफ एक्शन तो ही स्टार्टेड क्लैपिंग कि अरे वाह तो फिर मैं कहा हाँ जी सर प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था और जो 1968 की पॉलिसी थी वो कमीशन के

मैं नहीं सर कस्तूरी रंजन तो नहीं था अच्छा कुछ कोठारी कोठारी करके था मैं कहा जी सर डीएस कोठारी था और ऐसे ऐसे टाइम पीरियड में टीचर की क्या क्वालिटीज होती हैं ये क्वेश्चन <laughs> तो काफी सारी बता दी कि ऐसे ऐसे होना चाहिए और उनमें से सच में कौन सी है हमारे अंदर अभी मैं जब अच्छे से क्लास लूंगी तब देखूंगी अपने आप को एनालाइज करके फिर जब मैंने अपना आंसर दिया तो जो बीच में सर बैठे थे तो वो एक स्टोरी सुनाने लग गए कि मेरे को लगा इससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे बट वही जनरल स्टोरी थी कि भाई एज ए टीचर आपकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए तो उन्होंने स्टोरी बताई कि भाई ऐसे, ऐसे ऐसे एक टीचर होता है वो अपने टीचर से मिलने जाता है तो कैसे वो जो उसका स्टूडेंट होता है वो कैसे बार बार एक टीचर से वही सेम क्वेश्चन पूछता है और कम से कम सौ बार पूछता तो टीचर उसको हर बार आंसर करता है तो फिर बोले कि अच्छा इससे आपने क्या सीखा मैं कहा सर यही सीखा कि एक तो बोलते हैं ना कि अगर तुम मेरे से किस बार पूछोगे तो मैं दस बार तुम्हें आंसर बताऊंगा तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर स्टूडेंट को नहीं समझ आ रहा या अगर कुछ भी वो दस बार या बीस बार हमसे पूछता तो हमारी ड्यूटी है बनती है कि वो हम उसको बताएं मतलब ये ना होकर अच्छा Patience. बार बार यही बार बार यही हाँ। पूछ रहा है या रिपीटेशन कर रहा है कि बस नहीं अगर दस बार है बीस बार है तो अपना हाँ पेशेंस बिल्कुल होना चाहिए आपके अंदर तो फिर वहाँ पर हो गया मेरा मेरा सबसे लास्ट में इंटरव्यू हुआ था तो फिर उन्होंने बोला अच्छा आपका कितने मिनट चला था आपका इंटरव्यू आई थिंक दस मिनट मुश्किल से चला होगा हार्डली टेन मिनट्स था तो फिर मैं ऐसे बीच में बैठी हुई थी तो सर बोले कि ना हाँ बेस्ट ऑफ लक और मिठाई तैयार रखना अपनी और तो उन्होंने मतलब पता नहीं काफी दो तीन मिनट तक बोलते रहे वो पर मैं इस मेंटल स्टेट में चली गई थी मैं रोने लग गई ऐसे उनके सामने हाँ मतलब थोड़ा एक इमोशनल स्टेट होगी तो मैं ऐसे, हाँ, मतलब तो ऐसे थैंक यू बोल रही थी तो मेरे से बोला नहीं जा रहा था तो मैं कहा सर थैंक यू थैंक मतलब ऐसे बोल मतलब वो होता ना कि भाई खुशी की आज अल्टीमेटली जिस चीज के लिए इतना हाँ, मेहनत किया बीच में आपको हाँ, मिला डिश हाँ, भी वाला और फिर लास्ट में कोई ऐसे आपको कॉम्प्लीमेंट दे दे जिसके हाथ में सब कुछ है तो आदमी मैं खड़ी होकर जैसे रूम के गेट के पास चली गई मैं कहा सर थैंक यू तो बोले आप जाओ अपनी निश्चिंत रहो बेस्ट ऑफ लक ऑल द बेस्ट आपका अच्छा हुआ है फिर मैं भागती हुई गई फिर पीछे से पी नवाज लगा रहे एग्ज़िट से वहां से मैं कहा, ठीक है ठीक है ठीक है मैं भागती बाहर गई मेरे पापा अंकल थे मैं कहा मेरा तो हो गया <laughs> या तो हो गया <laughs> तो ऐसे हुआ था फिर लकीली हो भी गया था फिर और जब वो सिलेक्शन हुआ मतलब जिस दिन वो रिजल्ट आया हाँ तब भी फैमिली वाले सारे घर पे ही थे हाँ मम्मी थी मतलब मम्मी उस टाइम मेरे साथ ही भाई बहन थे पापा जैसे हम ऊपर रहते तो पापा नीचे थे तो लिस्ट आ गई थी तो मैंने नाम देखा भी नहीं था अपना कहाँ पर क्या है तो कहीं ना कहीं मेरे था कि हो जाएगा मेरा मेरी मम्मी तो, लिस्ट में तो नाम हाँ। देखने के वो था तो मैंने देखा मैंने अपना नाम सर्च किया तो मेरी सेकेंड पेज पर थर्ड या फोर्थ नंबर पर था तो मैं तनीषा मलिक सिक्सटी और ऐसे एम इतने मार्क्स थे तो मैं मेरी रैंक आई है <laughs> मेरे सिक्सटी वन रैंक आई है मेरा तो हो गया हो गया मतलब रैंक से ज्यादा ये खुशी थी कि हो गया फिर बाद में ये खुशी हुई कि सिक्सटी वन रैंक के साथ हुआ फिर मैं फिर फोन की मिलाए कि मेरा हो गया मेरा हो गया <laughs> <laughs> मेरा हो गया फिर 30 तारीख को एक्चुअल खुशी हुई कि पोस्टिंग आई 30 तारीख को आई थी हमारी तो और इनकी पोस्टिंग हुई भाई कहां भी बता दीजिए uh, मेरी पोस्टिंग हुई है करनाल में मेरे को केवीएस करनाल मिला है तो अभी तो मैं अप डाउन कर रही हूँ तो मैं मतलब ये होता है कि आप तक कहां आए के में exactly. ये डर होता है कहीं ना कहीं क्या तभी हम कहा कहीं दूर आए या hmm. कहीं आए तो मैंने देखा वो मेरा जैसे गुरुग्राम रीजन था तो गुरुग्राम रीजन ने मेल भेजे थे हर एक उसके पास hmm. तो आ, मैंने देखा भी मेल आया हुआ है और उसमें था केवीएस करनाल में करनाल मिल गया करनाल मिलवाओ करनाल मिल गया

बर्फ़ से ढका हुआ स्कूल था और फिर मैं कहा अच्छा भी बहुत अच्छा फिर एक और मेरे नॉन किरण दुल गए हैं उनका भी पीछे पहाड़ और ऐसे जैसे घाटी है ना तो ऐसे फूलों की ऐसा कुछ मतलब फार्मिंग हो रखी है और ऐसे पीछे पहाड़ था और पीछे पूरा सन में कहा करना तुम यहाँ आ जाओ और मेरे को वहाँ आने तो, क्योंकि आई थिंक वो एक्सपीरियंस एक होता है ना कि अगर आए तो पहाड़ों में आए क्योंकि मेरी पर्सन मुझे आई एम ए माउंटेन पर्सन तो उनका देख कर अब मुझे हो रहा है कि करनाल क्यों आए भाई ये भी माउंटेन था अपने आप को हरिद्वार केदारनाथ ले गया मैं अभी तो वो खुशी दो दिन तक थी फिर अब चलो अच्छा है वो मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए अगर हम सोचे अभी तो करनाल ठीक है अभी बात की बाद में देखें कभी आए तो ठीक है किस्मत में हुआ तो नहीं तो करनाल भी अच्छा है नहीं नहीं मैम देखो हर चीज का अपना अपना नए वो होता है और एक हरियाणा में एक बात नहीं कहते मजे ले आ रहा जो स्वाधु हो गया ना वो कितने ज्यादा स्वाद ले आ हाँ। तो बस बढ़िया है भाई अपना हो गया पहली चीज़ तो ये इतनी बढ़िया रैंक के साथ हुआ दूसरी चीज़ ये तीसरा अब अगली अपनी आगे की तैयारी जी मेरी मेरे को तैयारी हाँ। करनी डीएसएस बी की या जो भी आप अपनी आगे बढ़ाना चाहते हो उसको बिल्कुल क्योंकि यही टाइम है जो एक बार एक स्पीड में हो गया तो हो गया अदरवाइज फिर बाद में दिक्कत आती है ठीक है तो यहाँ तक की जर्नी बहुत बढ़िया लगी मैम अब केवी का थोड़ा सा ये बताइए कि क्या हुआ अभी ये बताइए सैलरी आ गई नहीं अभी नहीं आई <laughs> उसी का वेट है पता नहीं 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 आए या ना इस इस महीने महीने आएगी, आएगी आएगी भाई क्यों मैंने को ज्वाइन किया और मैंने ली मैंने जैसे ली है अट्ठाईस अगस्त को ज्वाइन किया था उस महीने की सैलरी सत्ताईस अगस्त को किया था उस महीने की सैलरी उन्होंने अपलोड कर दी थी वैसे तो फिर अगले महीने आई थी मेरी पर आपने चार को की तो बीस इक्कीस के आसपास सैलरी अपलोड होती है हाँ। तो आपकी आराम से आ जाएगी बेफिक्र नए साल पे आपको गिफ्ट मिल जाएगा और केवी सबसे बेस्ट सी की तीस तारीख को दो पैर को आपको एक बढ़िया प्यारा सा मैसेज मिल जाता है है हाँ ना तो नोट कर लेती हूँ तीस तारीख तो वही देखो ये खुशी है ना आप देख सकते हो भाई है ना कोई बहुत बड़े हम प्रधानमंत्री भी नहीं लगे हैं है ना लेकिन एक मिडिल क्लास के लिए ये खुशी सच में उस प्रधानमंत्री जैसा बनने जैसी ही है तो आप लोग भी मेहनत करो और मेहनत करने के ऊपर ना थोड़ा बहुत एक बार आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं दो बार नहीं मिलेगा लेकिन अल्टीमेटली उस जगह पहुंच जाओगे जहां आप चाहते हो जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो और वो वर्थ इट होगा या नहीं होगा वो मेहनत करने का आपका मन अभी करेगा या नहीं करेगा वो आप इनकी चेहरे की खुशी से देख ही सकते हो कि हम दोबारा उन चीज़ों को रिलीव कर रहे हैं जो कभी हमने सपने देखे थे या फिर जो टाइम पे एकदम रिजल्ट आया था उस टाइम पे सच में फीलिंग होती है जैसे कभी फॉर एग्जांपल डीएसएस का रिजल्ट आया था तो मेरे फ्रेंड्स मेरे तीन फ्रेंड्स लगे थे मेरी डाइट मेरी <coughs> क्लासमेट तीन चार <coughs> को आते तो मैं उनसे मतलब जब उनकी सैलरी आ गई मेरा अच्छा कैसे फीलिंग आई कितने सैलरी वो नहीं तुम्हारी कितने पैसे आए तुम्हारे तो एक होता है कि अच्छा देखो यार उनका हो गया तो मेरे को और मेहनत करनी है मेरे को भी वो फीलिंग चाहिए मेरे को भी करना है कुछ तो टाइम के साथ हो जाएगी बस आपको मेहनत करती चले ठीक है मैम एक दो क्वेश्चन मेरे आपसे है वैसे ठीक है आपने पहले अच्छा एक पहला क्वेश्चन था आपने पहले पहले कभी मेरी वीडियो देखी थी होने से से मतलब ऐसे के वी, की तैयारी के टाइम पे या फिर करने से पहले आज से पहले वो कमेंट्स में बता देंगे सारे लोग अगर क्योंकि आप जब पढ़ाते थे तो सबसे ज्यादा कमेंट्स मेरे आते थे तो जब मेरा नहीं हुआ था अगर आपको याद हो डी के टाइम मैंने कमेंट किया था कि मेरा 157 पर नहीं हुआ अगर आप कमेंट्स चेक करोगे तो काफी बच्चों के कमेंट्स है कि अरे आपका तो मतलब आप अच्छे से पढ़ते थे आपका नहीं हो पाया तो मैं आपको तब से फॉलो कर रही हूँ जब डी का जब एन का आपने शुरू किया था अब अच्छा। ये अब आप कमेंट्स <laughs> से अगर आप लोग जानते हो तो आप कमेंट कर देना कि यार तनिषा मलिक मैं ही <laughs> <laughs> तो बता देना भैया को कि हाँ मैं सच में फॉलो करती हूँ कोई पेड़ प्रमोशन नहीं है नहीं भी पेड़ प्रमोशन हो भी मतलब हमारा कौन सा कोई ऐसे वो है भाई जो है सामने है ठीक है नहीं, नहीं हम, फिर भी एक डाउट हाँ, क्लियर कर देती हूँ मैं नहीं, नहीं भाई थैंक यू आप पे आए पहली चीज़ तो ये दूसरा आप एन आई एस वगैरह बात कही ना तो अब हम थोड़े से अपग्रेड हो चुके हैं पहले से ठीक है अब हम पहले ऐसे यूट्यूब वगैरह पे एन आई एस की केवल वो छोटी सी चीज़ें करवाते थे अब हमने अपनी ऐप भी बनवा ली है वो पर लेकर के हैं हिमांशु सर का चैनल भी है भाई तो वहीं से हिमांशु सर खुद डी एस एस ई में सेलेक्टेड इनके नाइनटी मार्क्स थे आउट ऑफ हंड्रेड सेकंड पार्ट में ठीक है तो इनकी वीडियो आप देख लेना आपको पता चल जाएगा तैयारी करने की बिल्कुल एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे ट्रैकिंग होती है और मेरे को थोड़ा थोड़ा सा सा पर्सनल गाइडेंस दे देना दे आप के लिए ठीक है? ठीक है है <laughs> तो बेनिफिट मिले मेरे को <laughs> हाँ, तो आप वो ऐप डाउनलोड करिए वहां हिमांशु सर आपको बिल्कुल छाँट छाट के टॉपिक करवा देंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये टॉपिक बी एड बुक में बढ़िया है तो वहां से करवा दिया आपको टॉपिक मान लो ड्रीम एनालिसिस और ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी वाला टॉपिक आपकी इग्नू वाली बुक्स में बढ़िया है तो वो वहां से तो 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 पूछी गई है तो मैंने देखा कि उन बुक से हुए की बुक से। बिल्कुल। तो तभी तो कह रहा हूँ ना ऐसे छाट छाट के टॉपिक कुछ टॉपिक्स कुछ कुछ जगह बहुत बढ़िया दे रखे तो हम ऐसे ही पूरा डीएसएसबी का सिलेबस कवर करवा रहे हैं हम मतलब भाई मैं तो अभी उस लायक होनी क्योंकि डीएसएसबी की तैयारी करवा नहीं सकता क्योंकि मेरा खुद का सिलेक्शन हो रखा बोलना तो कोच साहब हमारे सर से है तो ये करवा रहे बढ़िया तो आप लोग आराम से ज्वाइन करो देखो भाई वीडियो बढ़िया लगे तो ज्वाइन करना और आपके लिए हमारी तरफ से फ्री गिफ्ट आप आराम से एक बार वीडियो देखना इनकी सर की ठीक, ठीक, ठीक है आ, आपका कोर्स एक्टिवेट करवा देंगे और आप देखना फिर कमेंट में आप अपनी ओर से एक ऑनेस्टली <laughs> रिव्यू दे देना अगर चाहो तो तो छुट्टियों में एक महीने बाद आराम से देखना और वर्थ इट लगे तो फिर मैसेज करना ठीक है जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप आए थैंक यू थैंक यू, यू सो मच और लकीली भाई मैम हमारे सोनीपत से ही बिलोंग करते हैं जी तो बढ़िया हो गया आज तो धन्यवाद <laughs> काफी लंबी वीडियो होगी कितने टाइम का हो गया हाँ इससे पहले हिमांशु सर की वीडियो थी इतनी लंबी है ना पार्ट में डाल देना हाँ

लक होता है मेरे जैसे का जो एक बार में सिलेक्ट हो जाते हैं कोई में, इस मैं सच बता रहा हूं एक बार में सिलेक्ट होना पहली बार में मेहनत होती है ऑब्वियसली पर लक बहुत मायने रखता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा टाइम लगता है एक जर्नी है बहुत बार ऐसा लगेगा कि यार अब की बार तो मेरी पीक पे थी मेहनत अब कैसे रह गया मैं इधर से पेपर लीक हो जाएगा वो हो जाएगा वो सारे फैक्टर्स भाई रहते ही हैं उनको आप साइड में रखना बस मेहनत करते रहो एक टाइम आएगा जब सिलेक्शन होगा और मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि आप मैम की जगह आप बैठे हो और अश्विनी की जगह तो क्या पता अश्विनी बैठा और क्या पता उस टाइम ये इंटरव्यू कर रहे हो मेरी जगह ठीक है जी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट भारत माता की जय जय श्री राम अपना व्यक्तित्व अपना चरित्र ऐसा बनाइए कि महिलाएं बड़े बूढ़े छोटे आपके दोस्त संगी साथी सच्चा आपके साथ खुश और सुरक्षित महसूस करें जय श्री राम